सो हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सी पी प्लस का वाईफाई कैमरा जो है E34A। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ है और ये 3 मेगापिक्सल में आपको मिलता है फुल HD कैमरा। और ये पहले वाले E24A जो इसका E24A मॉडल था जो 2 मेगापिक्सल में आता था, तो उसका ये सक्सेसर है और ये 3 मेगापिक्सल में आपको अवेलेबल हुआ है। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम करेंगे इसी कैमरे की अनबॉक्सिंग, इसका करेंगे डेमो और दिखाएंगे कि क्या ये अपने जो सेम कंपनी का जो एक और मॉडल है E31A जो 3 मेगापिक्सल में है उससे कितना डिफरेंट है और क्या उससे बेहतर है या उससे डाउनग्रेड है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आगे। तो यहाँ हम इसकी अनबॉक्सिंग और डेमो रिव्यू सब करने वाले हैं और इसका जो सेम मॉडल का जो कैमरा आता है उसका उससे इसकी कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या कुछ अंतर है। हालांकि उस कैमरे की मैंने वीडियो बनाई, आप जाके चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको करते हैं अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो फीचर्स यहाँ पर प्रिंट है ये सेम फीचर आपको इनके सभी वाईफाई कैमरों में मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट सभी कैमरों, वो चाहे 2 मेगापिक्सल की हो चाहे 3 मेगापिक्सल क्यों, ये सेम जो फंक्शन है वहां पर भी आपको प्रिंट किए हुए मिल जाएंगे। फुल HD वीडियो, इंटेलीफाई, व्यू एंड टॉक, 3 डिग्री, मोशन अलर्ट, तो ये बड़े ही कॉमन फीचर हैं जो हमें सभी वाईफाई कैमरों में मिल जाते हैं, स्पेशली CP प्लस में तो मिल ही जाता है। और इस साइट इजी टू इंस्टॉल प्लग एंड प्ले डिवाइस, ये भी सभी कैमरों में मोस्टली होता ही। तो यहाँ पर बात करें 3 मेगापिक्सल, इसका जो मॉडल है वो है CP E34A, ये 3 मेगापिक्सल PT कैमरा है, वाईफाई 15 मीटर IR और इसकी जो MRP है 4800, आप पर देख सकते हैं बॉक्स में प्रिंट है, हालांकि ये इससे काफी कम रेट में मिल जाता है। तो यहाँ पर करते हैं इसको अब अनबॉक्स। तो यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं और ये यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर हमने इसको बॉक्स को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर बॉक्स ओपन हो गया, यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा ये यूजर मैनुअल, जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हमारी वीडियो देख के समझ ही जाएंगे कि कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा कैमरा मिल जाता है, इसको अभी रखते हैं साइड। उसके बाद यहाँ पर बॉक्स में हमें और क्या क्या मिल जाता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर एक ये छोटा बॉक्स मिल रहा है, इसके अंदर हमें यहाँ पर एक ये वायर मिल जाती है जो A-Type to C-Type आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें ये इसका पावर अडेप्टर मिल जाता है जो यहाँ पर सेम है E31A जैसा ही, और यहाँ पर ये 5 वोल्ट 1 एम्पियर यहाँ पर ये देखने को आ जाए। तो यहाँ पर बाकी और कुछ नहीं है बॉक्स में, ये स्क्रूज वगैरह मिल जाते हैं, ये इसको रखते हैं भी साइड में और बॉक्स खाली हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आते हैं कैमरे पर। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप की डिजाइन, तो नीचे इसके साथ में अटैच है यहाँ पर जो सीलिंग माउंट होता है वो अटैच है, ये वॉल माउंट नहीं हो पाएगा, ये सीलिंग माउंट ही हो पाएगा, इस बात का आप खास ख्याल रखें से पहले। तो ये कुछ इस तरीके से अनलॉक हो जाता है और इसी तरीके से लॉक भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ये माउंटिंग सपोर्ट करता है, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी जो माउंटिंग प्लेट है वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं कैमरे का डिजाइन आपको दिखा दूँ, तो इस तरीके का आपको कैमरे का यहाँ पर मिल जाए, काफी अच्छा डिजाइन है देखने में, लुक काफी प्यारी। और यहाँ पर आपको मैं अगर बता दूँ तो इस साइड में आपको कैमरा मिल जाएगा जो अप डाउन कर सकता है, राइट लेफ्ट भी कर सकता है। और यहाँ पर आपको पीछे स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा जिसमें से आपको साउंड सुनाई देगी। और यहाँ पर इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसमें हमें C-Type का एक पोर्ट दिख जाता है और यहाँ पर रीसेट बटन मिल जाएगा, इसको इस तरीके से रीसेट भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कमी है वो लैन पोर्ट की है, जबकि E31A में लैन पोर्ट आपको मिल जाता है। लैन पोर्ट किस काम आता है वो मैंने आपको पहले वीडियोस में बता रखा है। और बाकी कैमरा ठीक है, देखने में तो बहुत अच्छा है, फुली प्लास्टिक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको एक बार हम ऑन करके देख लेते और दिखाएंगे कि इसकी क्लैरिटी कितनी है, कितना ये एरिया कवर करता है, कितना इसका व्यूइंग एंगल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस, कनेक्ट करने के लिए अभी मैं यहाँ पर पावर बैंक का यूज कर रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट अडेप्टर से भी चला सकते हैं। यहाँ पर इसमें C-Type की जो केबल है वो हमने यहाँ पर लगा दी है और यहाँ पर तो यहाँ पर जब कैमरा ऑन हुआ है तो वो उसने एक अपना रोटेशन जो है वो शो किया है आपको, तो इस तरीके से ये रोटेट होता है। और यहाँ पर एक जो वॉल्यूम जो वॉइस हमें सुनाई दे रही है कि वेटिंग फॉर वाईफाई, तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर लेते।
तो फोन में कनेक्ट करने के लिए सिंपल प्रोसेस है। गाइस कैमरे को किस तरीके से कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर है ये कैमरा और यहीं पर साथ में मैं रखता हूँ फोन, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि उसके लिए आपको इजी कैम प्लस एक ऐप होगी सीपी प्लस की जो आपने इंस्टॉल करनी है। तो ये इजी कैम प्लस यहाँ पर आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो ये मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको साइन अप करना होगा। यहाँ पे मैंने साइन अप ऑलरेडी किया हुआ है, तो मुझे साइन अप की ज़रूरत नहीं है, लॉगिन मैंने किया हुआ है। तो आप साइन अप कर लें। साइन अप करने का बहुत ही सिंपल मेथड है, और उसके बाद में आप डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में जब ऐप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक ये प्लस का साइन, यहाँ पर भी आप जाके टैप कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको सीपी प्लस के काफ़ी कैमराज का आपको जो है मॉडल नंबर के साथ उनकी पिक्चर भी दिखाई देगी, तो आप अपने सेम मॉडल नंबर को पहचानें कि कौन सा है और वहाँ पर उसको टैप कर दें। तो यहाँ पर मेरा है CPE34A, तो मैं इसको यहाँ पर टैप कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट करना है आपको, और यहाँ पर आपका वाईफाई का जो भी नाम होगा वो सर्च हो जाएगा। इनके सर्च ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर जा कर के उसको रिफ्रेश करके भी एक बार सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हो जाने के बाद में यहाँ पर आपको उसका पासवर्ड फिल कर लेना, पासवर्ड बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पर है करना होगा, और उसके बाद में ये एक बारकोड शो हो जाएगा। आप चाहे तो ये बारकोड के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। बारकोड के लिए बारकोड यहाँ पर शो करना होगा कैमरे को, बारकोड यहाँ पर शो। बारकोड शो हो जाने के बाद आप थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आई हैड अ प्रॉम्प्ट यहाँ पर करना है, और यहाँ पर डिवाइस सक्सेसफुली आपका ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आपको एक चीज़ और देखनी है कि ये एडिट सक्सेसफुली वाईफाई में से कैमरे में से आपको जब आवाज़ आएगी, तो उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको एक विंडो शो होगी। तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट डन नहीं करना, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर डन कर देंगे तो थोड़ा सा आपको दोबारा से करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो पूरे तरीके से कम्प्लीट नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर स्मार्ट कैमरा पर ज़रूर टैप करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको जाके डन करना है, तब ये कैमरा आपका ऑनलाइन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कैमरा ये ऑनलाइन हो गया, आप देख सकते हैं कैमरा यहाँ पे चलने लगा है। तो यहाँ पर इसको हम रोटेट करके देख लेते हैं, जो कैमरा है फाइन वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपको इसको रोटेट भी कर सकते तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम की बात। हेलो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे की जो विजिबिलिटी है, देख सकते हैं आप कैमरा काफ़ी क्लियर आपको यहाँ पर मिल रहा है, सेम एज E31A, कोई डिफरेंस यहाँ पर कुछ खास नहीं है। तो विजिबिलिटी के मामले में तो कोई दिक्कत यहाँ पर, और बाकी जो फंक्शन है एक बार वो भी सब चेक कर लो। गाइस यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट सारे ही फंक्शन मिल रहे हैं जो हमें बाकी और E31A, E21A इन कैमरों में मिलते थे, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते। और यहाँ पर आपको तो यहाँ पर कुल मिला के कैमरा तो अभी तक ठीक लग रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही कि इसमें ये कमी है। बस जो एक कमी है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लैन पोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो लैन पोर्ट का बेसिकली काम ये हो जाता है कि अगर आपको जहाँ पे कैमरा लगाना है वहाँ आपका नेट नहीं अवेलेबल, वाईफाई की रेंज अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर आप लैन केबल की हेल्प से डायरेक्ट अपने राउटर में कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पर ये काफी हेल्पफुल होता है कि लैन कनेक्टर होना चाहिए, अदरवाइज आपको ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे आपका रेंज है प्रॉपर, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है, इसको आप लगा सकते हैं। और अगर मैं इसकी नाइट विजन की बात करूँ, डे मोड तो ठीक है, बाकी जो नाइट मोड की है वो बात, तो वो एक बार देख लेते हैं, लाइटें सारी ऑफ करके देख। सो गाइस यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि लाइट सारी बंद हो चुकी है, और यहाँ पे कैमरे की जो क्लियरिटी है वो आपको यहाँ पे मिल रही है कि नाइट विजन में आपको कैसी क्लियरिटी मिल सकती है। अगर मैं दिखाऊँ थोड़ा डिस्टेंस से तो भी आप देख सकते हैं कि जो एक अपीयरेंस है वो कितना ही कैमरा कैप्चर कर सकता है। थोड़ा रोटेट करके भी देख लेते हैं इसको, रोटेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नाइट विजन जो इसका काफ़ी ठीक है, एक छोटा कोई रूम हो आपका या लॉबी हो तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आप इसमें नाइट में ले सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया जो है, इसका नाइट के पर्पज़ से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देखिए फुटेज कि किस तरीके की आपको मिल रही है।
तो यहाँ पर जो इसका रिस्पांस है रोटेशन वाला काफी क्विक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर होने नहीं वाली। और यहाँ पे आप अप डाउन का भी ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, अप डाउन भी ये काफी वन क्लिक में ही हो रहा है। सो गाइस यहाँ पर बात आती है अपना ओपिनियन देने की, तो मैं आपको बस कुछ बातें इसकी बताऊंगा जिसमें कुछ प्लस पॉइंट होंगे कुछ माइनस पॉइंट होंगे। जैसे कि बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट से, जो डिजाइन है सिलेंड्रिकल डिजाइन आपको मिल जाएगा, काफी अच्छा डिजाइन है, ठीक है। इसका जो रिस्पॉन्स है आप जब रोटेट करना चाहते हैं तो इसका रिस्पॉन्स क्विक आपको मिल जाता है। क्लियरिटी 3 मेगापिक्सल की होने की वजह से बहुत क्लियर और शार्प जो है वो क्लियरिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो और इसमें जो मेमोरी कार्ड है वो 128 तक का आप यहाँ पर सपोर्ट ये करता है, लगा सकते हैं इजिली। मेमोरी कार्ड लगाने के लिए यहाँ पर इसको आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा अप करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको स्लॉट नज़र आ रहा होगा, मेमोरी कार्ड का स्लॉट ये नज़र आ रहा होगा आपको नीचे इसके यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ बात है जो इसमें प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। लेकिन तो यहाँ पर बात करें नेगेटिव पॉइंट की, तो वो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट सबसे पहले तो इसमें लैंड पोर्ट नहीं मिलता है, सबसे पहला ड्रॉबैक इसका यही है कि लैंड पोर्ट इसमें नहीं है। सेकंड इसका ड्रॉबैक आपको ये मिल जाएगा, इसमें आपको जो है वॉल माउंट नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूं डिफरेंस E31A और इसमें, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आपको मिल रहा है वो सबसे बड़ा यही है कि इसमें लैंड पोर्ट नहीं है और इसमें वॉल माउंट नहीं है। ये सीलिंग माउंट है वो दोनों ही था, वॉल माउंट और सीलिंग माउंट आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, इसको यहाँ आप नहीं लगा सकते। तो ये दोनों ही मेजर जो डिफरेंस है वही है, बाकी सब सेम है, और थोड़ा सा डिज़ाइन का अंतर है। वो तो आपको मॉडल के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं आप कि कौन सा डिज़ाइन आपको ज़्यादा पसंद है। सो गाइस यहाँ पर था इसका छोटा सा ओवरव्यू और डेमो, और साथ में कंपैरिजन E31A के साथ। तो आपको ये कंपैरिजन और डेमो कैसा लगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।